हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैजिकल स्कूल। आज हम जानेंगे विजिटिंग वर्ल्ड के एक ऐसे विजिट के बारे में जिसको हाफ ब्लड प्रिंस, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स, डेथ ईटर और पोशन मास्टर जैसे टाइटल मिले हुए हैं, और जिसने विजिटिंग वर्ल्ड को बचाने के लिए अपनी लाइफ के डबल रोल प्ले किए। एक तरफ ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर और दूसरी तरफ एक डेथ ईटर, और जिसकी बस एक ही कमजोरी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हम सबके फेवरेट कैरेक्टर में से एक सेवरस स्नेप के बारे में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सेवरस स्नेप की लाइफ स्टोरी के बारे में, उनके बचपन से लेकर उनके मरने तक। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हमारे चैनल पर हैरी पॉटर की एक और सीरीज शुरू की है, जहाँ हम हैरी पॉटर की सारी बुक को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप उस सीरीज़ को भी देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी उस सीरीज़ का भी हिस्सा बन सकते हैं। सेवरस स्नेप का जन्म 9 जनवरी 1960 में हुआ था, और सेवरस स्नेप एक हाफ ब्लड थे, क्योंकि उनके पिता टोबायस स्नेप एक मगल और उनकी माँ आइलैंड प्रिंस स्नेप एक प्योर ब्लड जादूगरनी थी। स्नेप के पिता के मगल्स होने के कारण स्नेप का बचपन मगल्स वर्ल्ड में स्पिनर एंड के कॉकवर्थ में बीता था, और उसी शहर में इवांस फैमिली भी रहा करती थी। स्नेप को अपने माता पिता की तरफ से वो प्यार और वो केयर कभी नहीं मिली जो कि एक बच्चे को चाहिए होती है, क्योंकि स्नेप के पिता स्नेप की माँ को यानी कि आइलैंड प्रिंस को फिजिकली टॉर्चर किया करते थे, और जिस वजह से वो मगल्स को इतना पसंद नहीं करते, या यूं कहे कि उन्हें मगल्स पसंद ही नहीं थे, और इसी कारण वो अपना सीक्रेट नाम रखते हैं हाफ ब्लड प्रिंस, जहाँ उन्होंने हाफ ब्लड अपने ब्लड स्टेटस से लिया था और प्रिंस अपनी माँ के मिडल नेम से लिया था। इवांस फैमिली से लिली इवांस और पेटोनिया इवांस सेवरस के घर के पास वाली नदी के पास खेलने आया करती थी, जिन्हें स्नेप छुपकर देखा करता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही छुपकर देखने से इसी बीच स्नेप को पता चला कि लिली के अंदर भी वो मैजिकल एबिलिटीज है, जिस वजह से स्नेप लिली को इस बारे में बताने का सोचते हैं। एक दिन जब स्नेप को लिली अकेली मिली, तब स्नेप ने लिली को बताया कि उसके अंदर भी मैजिकल एबिलिटीज हैं और वो एक जादूगरनी है। लिली को स्नेप ने हॉगवर्ट्स और विजिटिंग वर्ल्ड के बारे में भी बहुत सी बातें बताईं। उसके बाद उन दोनों में बहुत ही गहरी और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन पेटोनिया स्नेप को कुछ खास पसंद नहीं किया करती थी। एक दिन जब स्नेप और लिली विजिटिंग वर्ल्ड के बारे में और हॉगवर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तब पेटोनिया ने उन दोनों की बातें छुपकर सुनी, जिसके बाद उसने हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर यानी कि डंबलडोर को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने अपने लिए हॉगवर्ट्स में आने के लिए रिक्वेस्ट की। लेकिन डंबलडोर ने उसे मना करते हुए लिखा कि उसके अंदर वो मैजिकल एबिलिटीज़ नहीं है, जिस वजह से वो हॉगवर्ट्स नहीं आ सकती, और इसी बात से पेटोनिया को बहुत गुस्सा आया। जब स्नेप को वो लेटर मिला, तब स्नेप को पता चला कि मगल्स भी जादूगरों को लेटर लिख सकते हैं। अब जबकि पेटोनिया को ये बात पसंद नहीं आई थी, तो पेटोनिया ने स्नेप को अजीब बताते हुए लिली को स्नेप के साथ रहने को मना किया, लेकिन लिली ने पेटोनिया की बात नहीं सुनी, जिसके बाद पेटोनिया बोलती है, जादूगरनी तुम अजीब हो लिली, और यहाँ से उन दोनों बहनों में दुश्मनी शुरू होती है, और पेटोनिया के मन में अपनी बहन के लिए नफरत पैदा हो जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद यानी कि 1971 में लिली और स्नेप को हॉगवर्ट्स से लेटर आता है, और जब वो दोनों हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में होते हैं तो स्नेप और लिली एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं। लिली बोलती है, मेरी बहन मुझे पसंद नहीं करती, तो इसी का जवाब देते हुए स्नेप बोलता है, वो तुमसे जलती है, और वो इस टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है, तुम कौन से हाउस में जाना पसंद करोगी, मुझे तो स्लिथरिन पसंद है। और उसी कंपार्टमेंट में दो और लड़के होते हैं, जेम्स पोटर और सीरियस ब्लैक। स्लिथरिन का नाम सुन के जेम्स हंसता है और बोलता है, स्लिथरिन में कोई बेवकूफ़ी जाना पसंद करेगा, मुझे तो ग्रिफिनडोर पसंद है। और यहीं स्नेप, जेम्स और सीरियस में बहस होनी शुरू होती है। हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद बोल्टी टोपी लिली को ग्रिफिनडोर हाउस में डालती है, और लिली हंसते हुए स्नेप के सामने से जाती है। स्नेप को स्लिथरिन हाउस में डाला जाता है, और सीरियस ब्लैक को भी स्लिथरिन हाउस में डाला जाता है, और जेम्स पॉटर को ग्रिफिनडोर में चुना जाता है। हाउसेस अलग होने के बाद भी लिली और स्नेप की दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
वो दोनों एक साथ रहा करते थे और एक ही साथ पढ़ा भी करते थे। ये बात जेम्स को अच्छी नहीं लगी और उसके बाद जेम्स और उसके फ्रेंड रेमस लूपिन, पीटर पैटिक्रू और सीरियस ब्लैक ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। जेम्स स्नेप को सिविलियस के नाम से चिढ़ाता था। सीरियस के स्लिथरिन में होने के कारण वो स्नेप के बारे में काफ़ी बातें जानता था। जहाँ सीरियस ने बताया स्नेप के फर्स्ट ईयर में होने के बावजूद भी वो उन मैजिक्स को यूज़ कर सकता था जो सेवन्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी करना बहुत मुश्किल था। और इतना ही नहीं, स्नेप ने अपनी पोशन की बुक में बहुत सारी गलतियों को भी सही किया था और अपने खुद के स्पेल्स भी बनाए थे, जैसे लेविकोपस और सेक्टम सेफरा। और यही बुक हाफ ब्लड प्रिंस में हैरी पॉटर को मिलती है, जिस वजह से प्रोफेसर स्लगहोर्न की क्लास में हैरी हरमाइनी को भी पीछे छोड़ देता है। बात यह भी थी कि स्नेप लिली से प्यार करता था, और वो भी तब से जब से उसने लिली को पहली बार देखा था। और स्नेप ये भी जानता था कि जेम्स भी लिली से प्यार करता है। और स्नेप की लाइफ का सबसे बड़ा मोड़ यहाँ से आता है जब एक दिन जेम्स अपने दोस्तों के साथ स्नेप को उल्टा लटका देता है और उसकी पैंट उतार देता है, जिसे देखकर लिली हल्का सा मुस्कुरा जाती है। और ये बात स्नेप को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, लेकिन लिली आगे आकर जेम्स को रोकती है और जेम्स बोलता है, आज तो तुमको लिली ने बचा लिया। और वहाँ सब हंसने लगते हैं, जिसके बाद स्नेप गुस्से में लिली को मड ब्लड बोल देता है। और बस यहीं से लिली और स्नेप में दूरी बढ़ने लगती है और जेम्स और लिली की दोस्ती गहरी होने लगती है। और इसी बात को स्नेप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती और सबसे बुरी याद बताते हैं। और इसके बाद स्नेप की दोस्ती लूसियस मैलफॉय से और उसके ग्रुप से काफ़ी गहरी हो जाती है, जो आगे चल के डेथ ईटर बनते हैं। और यहाँ से स्नेप की लाइफ और उसका रास्ता दोनों ही अलग हो जाते हैं। एक दिन स्नेप नोटिस करता है कि जेम्स का दोस्त रेमस लूपिन हर फुल मून को गायब रहता है, जिसके बाद स्नेप जेम्स से अपना बदला निकालने के लिए रेमस का पीछा करता है। यह स्नेप देखता है कि रेमस एक भेड़िया बना हुआ है। रेमस स्नेप को काटने ही वाला होता है कि जेम्स स्नेप को बचा लेता है, लेकिन इस बात से स्नेप को खुशी नहीं होती कि उसके सबसे बड़े दुश्मन ने उसकी जान बचाई। उसके बाद डंबलडोर स्नेप को इस बात को राज रखने को ही बोलते हैं। इसके कुछ समय बाद लिली जेम्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, और जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। स्नेप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, और बस यहीं से स्नेप सोच लेते हैं कि अब वो उन सभी लोगों से बेहतर बनेंगे जिनसे वो नफरत करते हैं। और जिसके बाद वो अपने दोस्त लूसियस मैलफॉय के साथ वोल्डेमॉर्ट की फौज में डेथ ईटर बन जाते हैं, जिसके बाद स्नेप डंबलडोर, फीनिक्स की फौज और हॉगवर्ट्स की हर एक जानकारी वोल्डेमॉर्ट को देता रहता है। और जब डंबलडोर हॉगवर्ट्स के लिए एक न्यू प्रोफेसर ढूंढ रहे थे, तब प्रोफेसर टिलोनी एक भविष्यवाणी करती है, जिसमें वो बताती है एक लड़का पैदा होगा जुलाई के अंत में, वो दिलाएगा मुक्ति विजिटिंग वर्ल्ड को वोल्डेमॉर्ट के आतंक से। और जिसके बाद ये भविष्यवाणी सुन के स्नेप वोल्डेमॉर्ट को बता देता है। लेकिन जुलाई के एंड में दो लड़के पैदा होते हैं, नेवल लॉन्गबॉटम और हैरी पॉटर। जब स्नेप को पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट ने उस भविष्यवाणी को लिली के बेटे हैरी पॉटर से जोड़ा है, तब स्नेप वोल्डेमॉर्ट से बोलता है कि वो लिली को कुछ ना करे। अब क्योंकि स्नेप जानता था कि वोल्डेमॉर्ट रास्ते में आने वाली हर एक चीज को मार देगा, तो स्नेप मदद मांगने के लिए डंबलडोर के पास जाते हैं। डंबलडोर उसे बोलते हैं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? तब स्नेप बोलते हैं, सब कुछ। लेकिन पीटर पैटिक्रू, जो जेम्स का दोस्त होता है, वो उन्हें धोखा देता है, जिस वजह से वोल्डेमॉर्ट लिली और जेम्स को मार देता है। लेकिन लिली के जादू के कारण वोल्डेमॉर्ट हैरी को छू नहीं पाता और अपने शरीर को खो बैठता है। और जब स्नेप उस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उसका प्यार लिली पॉटर मर चुकी है। ये स्नेप की जिंदगी का सबसे बुरा पल था, और स्नेप अपने सारे गमों को अपने आंसुओं के जरिए निकाल देते हैं। और उसके बाद स्नेप डंबलडोर के पास जाते हैं। डंबलडोर बोलते हैं, उनको धोखा मिला सेवरस, उन्हीं के दोस्त ने उन्हें धोखा दिया। और बोलते हैं, तुम्हें अपना कहा याद है ना सेवरस? स्नेप बोलता है, अब घबराने की बात नहीं है, वोल्डेमॉर्ट जा चुका है, अब वो लड़का सुरक्षित है। उसके बाद डंबलडोर बोलते हैं, वोल्डेमॉर्ट वापस आएगा, और जब वो वापस आएगा तो हैरी पॉटर की जान खतरे में होगी और तुम्हें उसकी जान बचानी होगी। तब स्नेप बोलते हैं कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और जब हैरी पहली बार हॉगवर्ट्स आता है, तब स्नेप उसे देखते ही पहचान लेते हैं उसकी आंखों की वजह से। अब स्नेप हर जगह अपनी जान पर खेल कर हैरी की मदद करते हैं। हालांकि स्नेप उसके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आते हैं और उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो उससे नफरत करते हों। लेकिन इस बात के दो कारण थे। पहला कारण ये कि हैरी का फेस जेम्स पॉटर की तरह था,
और जब भी स्नेप उसे देखते थे तब तब स्नेप को अपनी दुश्मनी याद आ जाती थी और उन चीज़ों की याद आती थी जो कि जेम्स ने उनके साथ किया। और दूसरा कारण ये कि वो जताना या दिखाना नहीं चाहते थे कि वो हैरी की मदद करते हैं। फर्स्ट ईयर में स्नेप हैरी को प्रोफेसर क्रिल से बचाते हैं, थर्ड ईयर में वो उसे बचाने के लिए चीखती हवेली में जाते हैं, और फिर फोर्थ ईयर में वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाता है हैरी के खून से, पीटर पेटिक्रू के हाथ से और वोल्डेमॉर्ट के पिता की हड्डी से। फिफ्थ ईयर में वो प्रोफेसर अम्ब्रिस को पोषण देने को मना कर देते हैं और वहाँ भी हैरी की मदद करते हैं। वो हैरी को अपने माइंड पर कंट्रोल करना सिखाते हैं, लेकिन हैरी उल्टा वार करके स्नेप की उस याद को देख लेता है जब उसके पिता ने स्नेप की पैंट उतारी थी। और इसी ईयर में डंबलडोर स्नेप को बोलते हैं, तुम्हें अपना वादा याद है ना सेवरस, और अपना हाथ दिखाते हैं जिस हाथ से उन्होंने वोल्डेमॉर्ट का हॉक्रक्स तबाह किया था, जहाँ स्नेप उन्हें बताते हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही साल का वक्त है, उसके बाद ये जहर फैलने लगेगा। और फिर डंबलडोर बोलते हैं, तुम्हें दोबारा वोल्डेमॉर्ट की फौज में जुड़ना होगा, तभी हम उसे हरा सकते हैं। और तुम जानते हो कि वोल्डेमॉर्ट ने ड्रैको को मुझे मारने का काम दिया है, मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम ही करो, तभी वोल्डेमॉर्ट को तुम पर विश्वास होगा। पहले तो स्नेप डंबलडोर को मना कर देते हैं, लेकिन बाद में उनकी इस बात को मान लेते हैं। और जिस टाइम हैरी और डंबलडोर हॉक्रक्स की तलाश करके आते हैं, तब हैरी के सामने स्नेप डंबलडोर को मार देता है। और स्नेप जब वहां से जा रहा होता है, तब हैरी स्नेप को बोलता है, बुजदिल, उन्होंने तुम पे विश्वास किया और तुमने उन्हें धोखा दिया, और स्नेप पर हमला करता है। लेकिन स्नेप उसका वार रोक कर कहते हैं, मेरे मंत्रों को मुझ पर इस्तेमाल करना बंद करो, और बताते हैं कि मैं ही हूँ हाफ ब्लड प्रिंस। जब बेलेट्रिक्स हैरी को मारने के लिए हमला करती है, तब स्नेप उसे रोक कर हैरी की फिर से जान बचाते हैं और बोलते हैं, ये अनिष्ट देव का शिकार है। और डंबलडोर के मरने के बाद वोल्डेमॉर्ट को पूरी आज़ादी मिल गई, क्योंकि डंबलडोर ही एक ऐसे विज़र्ड थे जिससे वोल्डेमॉर्ट डरता था। लेकिन उनके मरने के बाद वोल्डेमॉर्ट ने हॉगवर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक पर कब्जा कर लिया और हॉगवर्ट्स का हेडमास्टर स्नेप को बना दिया। फिर उसके बाद जब हैरी फीनिक्स की फौज के साथ हॉगवर्ट्स में आता है, तब प्रोफेसर मैकोनिकल और स्नेप में एक ड्यूल होता है, जहां स्नेप वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वहां पर वो किसी से भी लड़े और किसी को भी नुकसान पहुंचाए। वोल्डेमॉर्ट को लगता है कि एल्डर छड़ी का मालिक अब स्नेप है, और वो लूसियस मैलफॉय के जरिए स्नेप को बुलाता है और बोलता है, तुम बहुत चालाक हो सेवरस, ये छड़ी मेरी बात नहीं मानती, सिर्फ मैं जिंदा रहूंगा, सिर्फ मैं। और स्नेप को नगीने के जरिए मार देता है। और वहां पर हैरी, हरमाइनी और रॉन उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं। हालांकि स्नेप वहां से बचकर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद हैरी और उसके दोस्त स्नेप के पास आते हैं, तब स्नेप बोलते हैं, इन आंसू को भर लो और स्मृति पात्र में डालना, और उनके आखिरी वर्ड ये होते हैं, तुम्हारी आंखें बिल्कुल लिली जैसी हैं। ये बोलकर वो मर जाते हैं, और इस तरह एक महान जादूगर विजिटिंग वर्ल्ड को छोड़कर चला जाता है। जब हैरी ने स्नेप के आंसू स्मृति पात्र में डाले, तो हैरी को पता चला उन दोनों की दोस्ती के बारे में, लिली और स्नेप के प्यार के बारे में, और पता चला कि स्नेप लिली से कितना प्यार करते थे और जेम्स ने स्नेप के साथ कितनी नाइंसाफी करी। लेकिन स्नेप ने हमेशा हैरी की मदद की, ना कभी दिखाया और ना ही कभी जताया। और हैरी को यह भी पता चलता है कि उसे मरना होगा। फिर वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद किसी को भी स्नेप की असलियत पता नहीं थी, इसीलिए स्नेप की तस्वीर हेडमास्टर के ऑफिस में नहीं लगाई गई। लेकिन हैरी ने सबको स्नेप की सच्चाई बताई और स्नेप की तस्वीर हेडमास्टर के ऑफिस में लगाया। इतना ही नहीं, उसने अपने छोटे बेटे का नाम स्नेप और डंबलडोर के नाम पर रखा, एल्बस सेवरस पॉटर। स्नेप विजिटिंग वर्ल्ड के एक ऐसे विजार्ड थे जिनके साथ बचपन से ही कुछ अच्छा नहीं हुआ। उन्हें बस एक ही चीज की ख्वाहिश थी, लेकिन वो भी उनसे दूर चली गई, और जिसके बाद भी उन्होंने उसी से प्यार किया और हमेशा बिना दिखाए उसको साबित करते गए। तो दोस्तों, ये थी लाइफ विजिटिंग वर्ल्ड के एक रियल हीरो की, सेवरस स्नेप की।